राष्ट्र संत ललित प्रभ आज गोभक्त अशोक कोठारी के आवास से निकलकर भिलवाड़ा के कांचीपुरम वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक महावीर सिंह चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां राष्ट्र संत ललित प्रभ ने आयोजित धर्म चर्चा में कहा कि भिलवाड़ा का प्रेम कभी भूल नहीं सकते हैं। इस दौरान पतंजलि योग समिति के प्रचारक ओम वैष्णव ने योगी क्रिया करके सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। धर्म चर्चा में कांचीपुरम अध्यक्ष भूपेंद्र मोगरा, सुरेंद्र सिंह सुराणा, पारसमल चौधरी, रतन गोखरू, अभय चपलोत, रजनीश सुवालका, प्रवीण चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश त्रिवेदी, राहुल चौधरी, अर्पित चौधरी, दीपक पारिक सहित मौजूद थे। राष्ट्र संत ललित प्रभ ने कहा कि हम भिलवाड़ा के प्रवास के दौरान यहाँ के लोगों की मंगल कामना कर रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर इस महामारी से लोगों को जल्द से जल्द निजात दे, लेकिन हमें भी इससे सतर्क रहना चाहिए। हमें मास्क और लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, जिससे कि हम भी बच सकें और परिवार को भी इस बीमारी से बचा सकें। हम जब जब भीलवाड़ा आए तो भीलवाड़ा वासियों ने हमें पलक पावड़े पर बिछाया और आजाद चौक में अलग अलग समय पर हुई प्रवचन मालाओं ने पूरे शहर में प्रेम, मिठास और माधुर्य बोला। अभी कोरोना काल के चलते हम ज्यादा जनसंपर्क में नहीं है और किसी तरह का कोई कार्यक्रम करने की बजाय हम दिल से ही पूरे भीलवाड़ा वासियों के लिए दुआ करते हैं कि संपूर्ण भीलवाड़ा में प्रेम, आनंद, शांति रहे, सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। हम नगरवासियों को कहना चाहेंगे, अब कोरोना काल का समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सब लोग पूरी सावधानी रखें, सभी मास्क का उपयोग करें, परस्पर दूरी का ध्यान रखें। अगर हमने इन सब विवेक का पालन किया तो हम बहुत जल्दी इस महामारी से मुक्ति पाने में सफल हो जाएंगे। रहीम का दुहे को मोड़ करके समझ लीजिए, रहीमन वहां जाइए जहां जमा हो लोग, ना जाने किस रूप में आए कोरोना रोग। तो हम सभी लोग अगर सावधानी रखेंगे तो हम इससे बच जाएंगे। पर हम भीलवाड़ा वासियों का मंगल प्रेम, हम मानते हमारे जीवन में शहर का इतना प्रेम है कि पूरे देश भर में हमारे भीलवाड़ा के महाराज के नाम से पहचान है। हम बहुत बहुत दुआ शुभकामना करते हैं हमारे धर्म संघ के गौरव में सुश्रावक, पूरे भीलवाड़ा के गौरव में श्रावक, संघ के रत्न, समाज रत्न, संबोधि रत्न भाई श्री महावीर सिंह चौधरी के, या हमारा आज का प्रवास हुआ, हम इनके लिए और पूरे शहर के लिए अपनी बहुत बहुत दुआएं करते हैं। आज की बैठक में एक अच्छा सा शायद मानसिकता बनी है, इस शहर को हमारी मानसिकता रहेगी एक सुंदर संस्कारशील, जहां पर एक इंसान का निर्माण हो, एक अच्छे आदमी का, मनुष्य का निर्माण हो, जहां पर एक नैतिक जीवन का निर्माण हो, शिक्षा और दीक्षा दोनों जिस माध्यम से मिल सके ऐसे विद्यालय बनाने की मानसिकता लेकर हम जा रहे हैं।